स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आज हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। तो देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या केस आएंगे और किस किस तरीके से हम उनको करते हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, तो मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। बुक के अंदर में नहीं मिलेंगे सारे क्वेश्चन, सभी टाइप के नहीं मिलेंगे, तो बस आप अच्छे से नोट कर लेना लेक्चर। तो लाइन वाइज कर रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो रो और एक सर्कुलर। भाई जो बैठे हैं वो रो वाइज बैठे हैं, सर्कुलर वाइज। आपने रीजनिंग के अंदर पढ़ा है ये टॉपिक, लेकिन रीजनिंग में तो क्या देखते थे, मिडिल में कौन बैठा है, साइड में कौन बैठा है, सेकंड लेफ्ट कौन है, थर्ड राइट कौन है, सर्कुलर में फेस की साइड है, उस तरीके से। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखने की, कितने मेथड से उसको अरेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले रो वाइज करते हैं। तो रो वाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप, पहला क्वेश्चन कि 10 पर्सन सिटिंग इन ए रो, 10 पर्सन सिटिंग इन अ रो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स। भाई कितने तरीके से वो जो 10 पर्सन है वो बैठ सकते हैं। 10 लोग हैं, 10 लोगों को सीट कराना है एक रो के अंदर। तो अब ये बताना है कि 10 लोग कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि 10 लोग बैठेंगे तो सीट कितनी होगी, सीट भी तो 10 ही होगी। एक सीट पे एक पर्सन बैठेगा, ये तो नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर बैठना है या कैसे तरीके से बैठना है, सीधा सिंपल तरीके से बैठेंगे रो वाइज। तो 10 सीट होगी, तो 10 सीट होगी तो 10 सीट है, 10 सीट पे कितने पर जो पर्सन अरेंज करने हैं, 10 पे 10 अरेंज करने हैं। तो हम इसको 10p10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 सीट पे 10 ही पर्सनों को अरेंज करना है। और यह हम इसको डायरेक्ट 10 का फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। अब 10 का फैक्टोरियल करोगे कैलकुलेटर पे तो लेंथ ही हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो आपका आंसर ही इतना होगा 10 का फैक्टोरियल, बस इतना ही करना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएगा, मान लो 6 पर्सन सिटिंग इन इन ए रो, तो 6 का फैक्टोरियल, 7 पर्सन इन सिटिंग इन ए रो, तो 7 का फैक्टोरियल। तो सिंपल तरीके से इसको करना है। तो एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, जितने भी आपको पर्सन दे रहे हैं उतने का फैक्टोरियल आ जाएगा, बस ये आपका आंसर आ। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर, 6 पर्सन सिटिंग ऑन 10 चेयर, 6 पर्सन है और वो 10 चेयर पे सिट करेंगे। अब 6 लोग हैं, 10 चेयर पे कैसे बैठेंगे, तो 6 चेयर पे बैठ जाएंगे, 4 चेयर खाली रह जाएगी। तो कोई बात नहीं, अरेंज अपने को क्या करना है कि 6 पर्सन अरेंज करना है और कितने चेयर पे करना है, 10 चेयर पे। तो जो ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा होता है वो एन होता है, जो कम होता है वो आर होता है। और फॉर्मूला क्या होता है अरेंजमेंट का, एन पी आर होता है। तो ज़्यादा क्या है, पर्सन है कि चेयर है, चेयर है, तो 10p6 ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो आर है वो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता एन से। तो यहाँ पे भी हमको क्या देखना है कि 10 चेयर पे कितने पर्सन अरेंज करने हैं, तो 10p6 तो ये आपका आंसर आ गया। इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लीजिए, अदरवाइज ये आंसर आपको जो ऑप्शन है उसके अंदर दे रखा हुआ, सोल्व करके पूछता है तो सोल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे तो 10 का फैक्टोरियल और 10 - 6 4 का फैक्टोरियल, तो इसका आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5। तो इसकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर लेना, आपका जो आंसर आपके पास आ जाएगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 10 पर्सन 6 पर्सन सिटिंग ऑन 6 चेयर्स, 10 पर्सन सिटिंग ऑन 6 चेयर। सर 10 पर्सन तो बैठ ही नहीं सकते 6 चेयर पर, कोई बात नहीं, 6 बैठ जाएंगे, 4 खड़े रह जाएंगे, अपने को तो अरेंज करने से मतलब है। तो वही मेथड इसमें लगेगा कि जो ज़्यादा है वो क्या रहेगा n और जो कम है वो क्या रहेगा r, हमेशा ये रूल अप्लाई होगा, क्योंकि अरेंजमेंट तो इसी तरीके से करेंगे ना। अब 6 पे 10 थोड़ी ना अरेंज कर सकते हैं, 10 पे ही 6 अरेंज करेंगे, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 10p6। तो सर क्वेश्चन तो दोनों अलग अलग है, मतलब तो दोनों के अलग अलग है, कोई बात नहीं, आंसर जो है वो सेम आएगा, क्योंकि हमको सिर्फ यही देखना है जो ज़्यादा है वो n होगा, जो कम है वो r हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं,
पहला सिंपल आपको दे रखा होगा कितने पर्सन है और कितने अरेंजमेंट करने हैं। 6% 10 चेयर ले लो और 10% 6 चेयर ले लो। कहने का मतलब एक में तो सिंपल दे रखा होगा कितने पर्सन है, एक में पर्सन और चेयर दे रखा होगा, चेयर ज़्यादा तो चेयर एन हो जाएगा और पर्सन ज़्यादा तो पर्सन एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना था, सिंपल क्वेश्चन था। अभी आगे देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन आप ये अच्छे से नोट करते जाएं। इकट्ठे कहीं भी किसी भी बुक के किसी के अंदर कंसेप्ट किसी भी नोट्स में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, बस जो लेक्चर है वो नोट करो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये टाइप ही चल रहे हैं जितने भी क्वेश्चन। फाइव बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिटिंग इन ए रो। फाइव बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिटिंग इन ए रो, तो एक क्वेश्चन है। तो फाइव बॉयज है, 3 गर्ल्स है, रो के अंदर सिट करने हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे हमको बॉयज है कि गर्ल्स, इसका कोई अपने को अंतर नहीं देखना, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ पर्सन काउंट करने। ठीक है, जब सिटिंग कराएंगे थोड़ी देखेंगे कि बॉय कि गर्ल, अपने को तो ये देखना है हाँ भाई कितने पर्सन उनको अरेंज करना है। तो 5 और 3 8% है, तो 8 का फैक्टोरियल। 8 लोगों को अरेंज करना है तो 8 लोगों को अरेंज करना है 8 का फैक्टोरियल। सर बॉयज़ है गर्ल्स है तो कोई बात नहीं, अपने को नंबर ऑफ पर्सन काउंट करने हैं, 8 का फैक्टोरियल हो गया सिंपल तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर क्वेश्चन यही है, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिटिंग इन ए रो, बट एक कंडीशन लगा दी, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। भाई 5 बॉयज है, ये यहाँ पे क्वेश्चन वही सेम चल रहा है भाई, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, और कंडीशन क्या है कि बॉयज जो है वो सभी के सभी इकट्ठे बैठेंगे। तो जो बॉयज है उनको तो एक ही मानना पड़ेगा आपको, ये तो एक हो गया क्योंकि इकट्ठे बैठेंगे ही। ठीक है ना, अलग अलग नहीं करना, इनको इकट्ठे बैठेंगे। तो ये 5 बॉयज है, ये हो गए एक साथ इकट्ठे हो गए। उसके बाद 3 गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स तो अलग अलग बैठ सकती है, तो इसको कैसे अरेंज करना है, एक ये और 3 ये, 1 और 3, 4 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, बॉयज को मानना एक, जैसे हमने वर्ड अरेंजमेंट करा था इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनेगा। तो 5 बॉयज को एक मानना, एक ये और 3 ये, तो कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल। अब बॉयज है तो इकट्ठे, लेकिन आगे पीछे तो हो सकते हैं ना, तो बॉयज का जो है 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक ये 3 ये 4 का फैक्टोरियल, बॉयज टुगेदर होंगे बट आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो ये जो 5 है 5 का फैक्टोरियल भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होएगा कि गर्ल्स सीट टुगेदर, गर्ल्स सीट टुगेदर, क्वेश्चन यही है वही, मतलब 5 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे, हमने ऐसे एग्जांपल के अंदर एज्यूम करा है, जो मर्जी आप एग्जूम कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गर्ल्स सीट टुगेदर और 5 बॉयज और 3 गर्ल्स है, तो जो गर्ल्स है उनको कितना मानोगे, उनका मानना पड़ेगा एक, गर्ल्स को एक मान लिया, एक ये और 5 बॉयज कितने हो गए 6 का फैक्टोरियल, और जो गर्ल्स है उनको भी तो अरेंज करना है ना, तो 3 का फैक्टोरियल, तो ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बस इन चीज़ों को, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और मिस्टेक ना हो इसीलिए मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 4th में सिंपल है, 5 बॉयज 3 गर्ल्स सिटिंग इन ए रो, इसमें बॉयज टुगेदर और इसमें गर्ल्स टुगेदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वही 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, बॉयज आर टुगेदर एंड गर्ल्स आर टुगेदर, बॉयज भी इकट्ठे बैठे और गर्ल्स भी इकट्ठे बैठे, तो इसका देखो क्या आएगा, इसका देखेंगे हम क्या है। तो अब देखिए, बॉयज आर टुगेदर, 5 बॉयज और 3 गर्ल्स, ये भी इकट्ठे बैठेंगे और ये भी इकट्ठे बैठेंगे, तो एक और एक
दो का फैक्टोरियल, लेकिन जो बॉयज है वो आगे पीछे तो हो सकते हैं ना, ठीक है ना, बैठे तो इकट्ठे ही, लेकिन आगे पीछे तो हो सकते हैं, देन फाइव का फैक्टोरियल। जो गर्ल्स है वो भी आगे पीछे हो सकती है, देन थ्री का फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फाइव का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई थ्री का फैक्टोरियल। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को, अच्छे से नोट करना है। तो कितने क्वेश्चन हुए अभी, सेवन क्वेश्चन हुए, ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए, सेवन क्वेश्चन। आगे देखिए, अब आएगा अल्टरनेट का केस। अल्टरनेट, अल्टरनेट समझते हो, अल्टरनेट जैसे कि एक बॉय फिर गर्ल, एक बॉय फिर गर्ल, एक बॉय फिर गर्ल, इस तरीके से। तो इसके अंदर दो ही केस बनेंगे, या तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम होगा, या उनमें एक का डिफरेंस होगा। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि फाइव बॉयज फाइव गर्ल्स और फाइव बॉयज फोर गर्ल्स। अल्टरनेट का क्वेश्चन तभी बन सकता है जब या तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम हो, या उनमें वन का डिफरेंस हो। अगर वन से ज़्यादा का डिफरेंस है, मान लो ये पाँच है तो ये छः हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, मान लो ये पाँच और ये सात हो गए, तो अल्टरनेट बैठ ही नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि गर्ल्स एक के डिफरेंस से ज़्यादा हो गई, मान लो ये पाँच है ये सात हो गई, तो दो गर्ल्स हमेशा इकट्ठी आएगी आएगी कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो अल्टरनेट पे नहीं बैठ सकते। तो आपका जो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम होंगे या उनमें एक का अंतर होगा। तब देखिए अल्टरनेट के अंदर, अल्टरनेट के अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी अल्टरनेट के अंदर क्या करेंगे, फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स है, तो इसमें फिक्स कर लो किसी को भी, इसमें किसी को भी फिक्स कर लो। बॉयज को फिक्स करना है बॉयज को कर लो, गर्ल्स को फिक्स करना है गर्ल्स को फिक्स कर लो। मान लीजिए हमने फिक्स कर लिया बॉयज को, हमने फिक्स किसको कर लिया, बॉयज को। देखिए बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय फोर बॉय फाइव, पांच बॉयज को फिक्स कर लिया। अब पांच बॉयज फिक्स करना है यानी कि इनको अरेंज करना है, तो फाइव का फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा, भाई फाइव बॉयज सिट कराने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज जो रहेंगे सिटिंग के वो फाइव का फैक्टोरियल हो जाएगा, भाई कोई भी बॉय कहीं भी बैठ सकता है। उसके बाद जो गर्ल्स है वो कहाँ आ सकती है, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, थ्री इधर आ सकती है या इधर आ सकती है, या फिर इधर आ सकती है, इधर 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 या इधर। तो एक केस ये बना, एक केस ये बना, तो दो का फैक्टोरियल आ गया। दो का फैक्टोरियल कर लो या दो कर लो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दो का फैक्टोरियल दो ही होता है, तो डबल केस हो गए, तो दो से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद फाइव गर्ल्स है तो पांच का फैक्टोरियल फिर आ जाए। तो मतलब कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए अल्टरनेट का और नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हो सेम, तो आपको एक बात का याद रखना है, बस पांच का फैक्टोरियल एंड दो का फैक्टोरियल, ठीक है। तो याद रखना है, याद रख लो, समझना है समझ लो, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है जी। तो बस सीधा सीधा भी कर सकते हैं, भाई सर ने बताया था क्लास में फाइव का फैक्टोरियल एंड टू का फैक्टोरियल, समझना है तो पहले समझो उसको अच्छे से, भाई पांच बॉयज है उनको सीट कर लिया पांच का फैक्टोरियल, उसके बाद अगर गर्ल्स को सीट करना है तो दो केस बन सकते हैं, ये तो ये वाला और एक ये वाला, गर्ल्स आगे से स्टार्ट कर लो या गर्ल्स फिर बाद में स्टार्ट कर लो, दो केस बनेंगे, दो का फैक्टोरियल या सिंपल दो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गर्ल्स अरेंज करनी है तो दोबारा से फिर फाइव का फैक्टोरियल, और इसके अंदर फाइव बॉयज और फोर गर्ल्स, तो इसमें एक ही तरीके से कर सकते हैं इसको। पहले आपको कम वाला फिक्स करना पड़ेगा, गर्ल्स को फिक्स करना पड़ेगा, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर, सर ये वाला फिक्स करें, करके देखो अपने आप पता चल जाएगा। तो इनको फिक्स किया तो ये आ गया फोर का फैक्टोरियल, गर्ल्स को फिक्स किया। अब बॉयज़ को फिक्स करना है तो बॉयज़ कहाँ आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहीं आ सकते हैं और तो कोई जगह नहीं है, तो फाइव बॉयज है तो फाइव का फैक्टोरियल, और कुछ भी नहीं बनेगा, यही बनेगा बस, ठीक है। तो फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स, या तो इनमें एक का डिफरेंस होगा या नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम होगा। अगर सेम है तो फाइव का फैक्टोरियल एंड टू का फैक्टोरियल, अगर वन का डिफरेंस है तो फाइव का फैक्टोरियल एंड फोर का फैक्टोरियल, ठीक है, याद भी रह जाएगा, याद रखना है। तो अल्टरनेट में और कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता, या तो वन का डिफरेंस या नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स सेम हो, क्लियर। तो ये आपके रो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर हो गए कितने हो गए, एट बोल लो और इसको नाइन बोल लो, तो नाइन क्वेश्चन हो गए।
नाइन में जो आपका है रो के जितने भी केस है कंप्लीट हो गए सिटिंग अरेंजमेंट के। इसी के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा बुक्स वाले, भाई बुक्स को अरेंज करना है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इस तरीके से चले, ज़्यादातर इसी में पूछता है, ठीक है। तो इसमें सारे एग्जाम्पल हो गए, दोबारा से देख लो पहला कौन सा सिंपल तरीके से सीट कराना है, दूसरा नंबर ऑफ चेयर ज़्यादा है नंबर ऑफ पर्सन कम है, तीसरा नंबर ऑफ पर्सन कम है नंबर ऑफ चेयर ज़्यादा है, एक में कम एक में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर फोर में नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सिंपल तरीके से सीट कराना है, क्वेश्चन नंबर फाइव में बॉयज टुगेदर, क्वेश्चन नंबर सिक्स में गर्ल्स टुगेदर, क्वेश्चन नंबर सेवन में बॉयज टुगेदर एंड गर्ल्स टुगेदर, क्वेश्चन नंबर एट में कोई डिफरेंस नहीं है उनमें नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम होगा, एंड क्वेश्चन नंबर नाइन में एक का अंतर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नाइन ये कर सकते हैं। हाँ जी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टेन है इसी के अंदर, तो इसके अंदर लेंगे हम सिक्स बॉयज और गर्ल्स, जैसे थ्री गर्ल्स, सिक्स बॉयज एंड थ्री गर्ल्स सिटिंग इन ए रो। कंडीशन है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, भाई कोई भी टू गर्ल्स इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, यानी कि उनके बीच में बॉयज आपको सीट कराने ही पड़ेगी। तो सिक्स बॉयज को हम फिक्स करेंगे, देखिए बॉय वन, बॉय टू, बॉय थ्री, बॉय फोर, बॉय फाइव, बॉय सिक्स। तो सिक्स बॉय को अरेंज करा, फिक्स करा, तो सिक्स का फैक्टोरियल बनता है। हाँ जी बिल्कुल बनता है। अब ये बताइए जो गर्ल्स हैं उनको कहाँ सीट करा सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, सेवन प्लेस जो है वहाँ पे आप थ्री गर्ल्स को सीट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, गर्ल्स यहाँ बैठ गई, दूसरी इधर इधर कहीं भी बैठ सकती है, अलग अलग है ना, क्योंकि बीच में तो बॉयज है। तो कितने प्लेस हैं, सेवन, सेवन पे कितने जो गर्ल्स है अब अरेंज करनी है, थ्री, तो अरेंज करते हैं तो परमुटेशन सेवन पी थ्री, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से हम नोट करेंगे। अगर आपने नोट्स बना लिए प्रॉपर तरीके से तो बस आपने मतलब परमुटेशन ख़त्म कर लिया, ठीक है। बुक के अंदर कभी कोई भी बुक देख लो, ठीक है, आपको ना तो इतने क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और ये क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे बुक के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कोई एक दे दिया, किसी में चार दे दिए, कोई दूसरी बुक देखोगे उसमें कोई अलग दे दिए, तो पूरा जो कंसेप्ट है वो तो तैयार नहीं हुआ ना, ताकि आप एग्ज़ाम को फेस कर सको। लेकिन अपनी क्लास के अंदर पूरे का पूरा आप एग्ज़ाम क्या कुछ भी सारे का सारा पूरी दुनिया को फेस कर सकते हो। कभी भी आपको खुद को कराना पड़े ना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इस तरीके से कराओगे तो बस देखते रह जाएंगे लोग कि हाँ भाई इस तरीके से सारे के सारे पैटर्न और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो ये होता, तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, सिक्स बॉयज थ्री गर्ल्स सिटिंग इन ए रो, कंडीशन क्या है, नो टू गर्ल्स सीट टुगेदर, तो गर्ल्स सीट नहीं बैठ इकट्ठी नहीं बैठ सकती, ठीक है ना। तो इसमें जब भी पूछेगा तो जो कम लोग होंगे ना उनके बारे में पूछेगा, क्योंकि ज्यादा वाले तो इकट्ठे बैठेंगे। तो सिक्स बॉयज है तो सिक्स का फैक्टोरियल, और कितने हैं ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन प्लेस हो गए, और सेवन पे आप थ्री को अरेंज कर सकते हो। तो अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, तो आप कभी भी मतलब टीच भी कर सकते हो, कभी आपको टीच करना पड़े बाय चांस या करना चाहो, किसी का इंटरेस्ट होता है टीचिंग के अंदर, तो बिल्कुल कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा एक लेवल भी क्रिएट हो जाता है। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको टीच करने लग जाओ। टीच करने का मतलब जोड़ने की स्टूडेंट को पढ़ाना है, आपका जो ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, आप आपस में टीच कर सकते हो, एक दूसरे को समझा सकते हो, जितना ज़्यादा समझाओगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई याद थोड़ी ना रहते हैं सारा कुछ, ये बस जब बोर्ड पर लिखने लगता हूँ तो अपने आप ही याद आ जाता है, चाहे आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे एक साल बाद कर लो, चाहे दो साल पहले किया था, कभी भी किया था, कोई दिक्कत नहीं। और जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जब आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, फिर ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला बंदा कौन है, आपका स्टूडेंट है, ठीक है, आपके ग्रुप में, आपका फ्रेंड सर्कल में है, या आपसे भी हायर है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी पीछे जब चंडीगढ़ था तो मैंने बैच पढ़ाया था पीजीटी का, तो पीजीटी के बैच में क्या होता है, जो मतलब काफ़ी ओवर एज के जो स्टूडेंट बोले क्या बोले उनको वो होते हैं। तो मेरे बैच में जो बच्चे थे, तो बच्चे लगा लो किसी की 45 एज, किसी की 50 एज,
तो किसी की कितनी एज, किसी की कितनी एज, इसी तरीके से चंडीगढ़ पुलिस का बैच होता है तो उसमें बहुत ओवर एज के बच्चे होते हैं, ठीक है, बोलते तो बच्चे ही हैं। तो जैसे IAS का बैच भी पढ़ाया एक बार, तो उसके अंदर भी काफ़ी जो अच्छी एज के बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं लगते, उनके सामने छोटे लगते हैं, ठीक है, भैया तो कुछ भी नहीं है। और PGT में क्या होता है कि सारे के सारे टीचर होते हैं, मैथ की क्लास ले रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने जो बैठे हैं वो भी टीचर है, वो भी +1 +2 को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जब आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन आती है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो भी भौचक्के रह जाते हैं, ठीक है, देखते रह जाते हैं। और इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, तो कई लोगों ने तो पैटर्न फॉलो किया है भाई, हाँ हम भी इस तरीके से पढ़ाएंगे, और पढ़ाया भी है तो उनको काफ़ी मज़ा आया पढ़ाने में। और इसी तरीके से चैप्टर परमुटेशन कम्बिनेशन का, और इतनी बारीकी से हम इन चीज़ों को देखेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी ऐसा चैप्टर है, परमुटेशन कम्बिनेशन भी ऐसा चैप्टर है, और एक चैप्टर हमने किया था सेटरिलेशन फंक्शन, वो भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन हमने जिस तरीके से किया था, वे 2 वैलेंस डायग्राम कर दिया, 3 वैलेंस डायग्राम कर दिया, इसके अंदर भी क्वेश्चन आएंगे उसके प्रोबेबिलिटी के अंदर, और परमुटेशन कम्बिनेशन भी यूज होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, इसलिए प्रोबेबिलिटी हम लास्ट में करेंगे। लेकिन इतनी बारीकी से करेंगे कि आपको मजा आएगा करते हुए, और आपका सारा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक तो रट्टा मारना पड़ता है, याद करना पड़ता है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न वाइज चलते जाओ, ठीक है। और एक मतलब कि खुद एक बार करके देखना, ये चीजें एक्सप्लेन करके देखना, एक्सप्लेन करोगे जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेटिंग अरेंजमेंट, और ये था रो वाइज। अब करेंगे हम सर्कुलर वाइज, ठीक है, सर्कल में करेंगे। तो क्वेश्चन मोस्टली जो है वो सेम रहेंगे, बस फर्क क्या आ जाएगा, सर्कल का आ जाएगा, एक सर्कल के अंदर शीट का। तो कंसेप्ट समझना है बहुत अच्छे से, क्या कंसेप्ट है देखेंगे। देखिए, एक सर्कुलर के अंदर अरेंज करना, ये आपका सर्कल हो गया, एक सर्कल के अंदर अरेंज करना, तो कोई भी एन पर्सन या एन कोई भी थिंग्स, कोई भी आइटम्स को अरेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर सिटिंग में मतलब कि रो में अरेंज करना है, तो एन का फैक्टोरियल करते हैं, 10% है तो 10 का फैक्टोरियल। लेकिन सर्कल में क्या हो जाएगा, सर्कल में n-1 का फैक्टोरियल होगा। रीजन क्या है उसका, रीजन ये है, जैसे कि मान लीजिए आपको 6% सीट करने, 6% आपको सीट करने हैं, 6% पहला क्वेश्चन ये आपका, ये 6% सीटिंग इन ए सर्कुलर, सर्कल टेबल बोल दो, यानी सर्कुलर बोल दो, कैसे भी बोल दो, तो 6 बंदे बैठाने एक सर्कल के अंदर। अब पहले तो एक बिठाओगे, मान लो 6 चेयर लगी है, 6 चेयर लगी है एक सर्कल के अंदर, तो 6 चेयर लगी है, तो पहला बिठाया, बिठा दिया, दूसरा बिठाया, तीसरा बिठाया, चौथा बिठाया, थोड़े से और खुले ले लो क्योंकि सर्कल बड़ा है ना अपना, तो एक बिठाया, दो बिठाया, तीन बिठाया, चार बिठाया, पांच बिठाया और 6 बिठाया। मान लीजिए सबसे पहले वाला बिठाया, अगर हमने सबसे पहले वाला अगर हमने बिठाया, तो उसके लिए कितने चांस हैं, 6, दूसरे के लिए 5, 4, 3, 2। अब ये जो वाला है, इसके लिए तो कोई फिक्स है ही नहीं, मतलब कि इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो यहीं बैठेगा जो एक चेयर बचेगी, ठीक है ना। तो जब भी सर्कुलर में अरेंज करेंगे, तो आपका n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। कहने का मतलब, अगर 6% आपको अरेंज करने हैं इन्हें सर्कुलर, इन्हें सर्कुलर, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल। ये कंसेप्ट जो है आपको याद रखना, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा सर्कल के अंदर। रो के अंदर 6 है तो 6 का फैक्टोरियल, सर्कल है तो एक कम कर देंगे उसके अंदर, 6 है तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब उसके बाद कोई एन थिंग्स है, कोई भी एन आइटम्स है, एन थिंग्स है या एन आइटम्स है, तो इसके अंदर रहेगा n-1 का फैक्टोरियल बाय में 2। अब जो थिंग्स है वो तो आइडेंटिकल होती है, क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। अब मान लीजिए 6%, तो 6% तो सारे अलग अलग होंगे, सबके फेस अलग अलग होंगे, आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा किधर बैठा है, कौन सा किधर बैठा है, पहचान कर सकते हो। एन थिंग्स है, एक जैसी चीजें हैं उनकी आप पहचान नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, 6% में तो क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग होगा ना, भी उनको ऐसे बिठाओगे या ऐसे बिठाओगे, दो अलग अलग चीजें हो जाएगी। और जहां पे आइडेंटिकल चीजें हैं,
आइडेंटिकल चीजें जैसे कि फ्लावर्स होते हैं। क्वेश्चन आता है अभी, एक हार बनाना है, एक माला बनानी है फूलों की, या आपको डायमंड का नेकलेस बनाना है। आपको एक नेकलेस बनाना है डायमंड का। अब डायमंड तो सेम होते हैं सारे, डायमंड तो सेम होते हैं, तो उसको क्लॉकवाइज लगाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा, तो उसमें आपको टू से डिवाइड करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बस सर्कल के अंदर ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना, बस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, जैसे कि हमने रो वाइज क्वेश्चन लिखा है, इसी तरीके से सर्कुलर वाइज। तो पहला क्वेश्चन, 10 पर्सन सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल में सिट कर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, और 9 का फैक्टोरियल आ गया। सिंपल, ये तो क्या था आपका कि अलग अलग चीजें थी, अब बनाना है आपको नेकलेस, नेकलेस बनाना है ऑफ 10 डायमंड्स। अब डायमंड तो सेम ही होते हैं, डायमंड तो सेम होते हैं, तो डायमंड सेम होते हैं, तो 10 - 1 9 का फैक्टोरियल बाय में 2, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर तो n का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने बताया, अगर n को अरेंज करने है, नेकलेस है, आइडेंटिकल चीजें हैं, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय में 2, ये याद रखना। ठीक है, अब अलग अलग क्वेश्चन चलते जाएंगे और उस तरीके से हम इसको अरेंज करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब वही स्टार्ट हो जाएंगे जैसे पहले हमने करे थे। 5 boys 3 girls सिटिंग इन ए सर्कुलर, एक सर्कल के अंदर बैठे, तो 5 और 3 8 का फैक्टोरियल आना चाहिए, लेकिन सर्कल है तो 7 का फैक्टोरियल सर्कुलर के कर देंगे। ठीक है, एक कम कर देंगे तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर क्या था कि 5 boys हैं 3 girls हैं, और कंडीशन क्या थी, बॉयज, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, जो सभी बॉयज हैं वो आपके इकट्ठे बैठेंगे, सभी बॉयज जो हैं आपके इकट्ठे बैठेंगे। अभी जो बॉयज हैं, बॉयज को एक मान लेंगे, बॉयज को एक मान लेंगे, एक और तीन 1 और 3 4 को अरेंज करना है, 4 को अरेंज करना है, तो क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल आएगा। 4 को अरेंज करना है, एक कम करना है सर्कल के अंदर, हमेशा ये याद रखना है, एक कम करना है, क्या करना है, एक कम करना है हमेशा करना। तो 4 को अरेंज करना है तो 3 का फैक्टोरियल, और 5 boys आगे पीछे तो हो ही जाएंगे तो 5 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन यही रहेगा, कंसेप्ट इतना ही रहेगा, और यहाँ पे ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो गर्ल्स है उनको हम एक मानेंगे, जो 3 girls है उनको हम एक मानेंगे, और बॉयज कितने हैं, 5, तो 1 और 5 6 को अरेंज करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल, 6 को अरेंज करेंगे इन्हें सर्कुलर तो 5 का फैक्टोरियल, और 3 girls है तो उनको तो अरेंज करना है 3 का फैक्टोरियल। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 5 boys 3 girls ठीक है, सिटिंग इन ए सर्कुलर वो तो है ही, सिटिंग इन ए सर्कुलर, कंडीशन क्या है, ऑल बॉयज सिट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो सभी बॉयज भी इकट्ठे बैठेंगे और सभी गर्ल्स भी जो है इकट्ठे बैठेंगे, तो अभी सारे बॉयज एक, सभी गर्ल्स एक, तो एक और एक क्या हो गए, 2,
अभी ये बताओ सर्कल के अंदर दो को अरेंज करना है तो क्या आएगा, एक का फैक्टोरियल आएगा। दो को अरेंज करना है तो एक तो कम कर देंगे, एक का फैक्टोरियल आएगा, क्लियर। और फाइव का फैक्टोरियल एंड थ्री का फैक्टोरियल, क्योंकि बॉयज अरेंज करने हैं गर्ल्स अरेंज करने हैं। तो अगर आप देखोगे इसका आंसर और इसका आंसर तीनों का आंसर सेम आ गया, तीनों का आंसर सेम आ गया। अब करने को तो ऐसे भी कर सकते थे कि मैं आपको बोल देता कि तीनों का आंसर सेम आएगा और ये आंसर आएगा, लेकिन माइंड में ये रहता कि पता नहीं कैसे आएगा, तो हमने तीनों क्वेश्चन देख लिए, आंसर निकाल के देखा तो तीनों का एक ही आंसर आया, ठीक है। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चन। उसके बाद क्या कंसेप्ट था, उसके बाद कंसेप्ट था अल्टरनेट वाला, तो इसके अंदर भी अल्टरनेट वाला कंसेप्ट जो है आपका रहेगा। तो अल्टरनेट में सर्कल के अंदर नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम होने चाहिए, फाइव बॉयज फाइव गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम होने चाहिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस आ गया तो कोई ना कोई दो बॉयज या दो गर्ल्स इकट्ठे बैठे बैठेंगे, तो एक ही क्वेश्चन आएगा आएगा, तो वरना नहीं बनता क्वेश्चन, तो अल्टरनेट बैठने हैं। तो एक सर्कल है और अल्टरनेट बैठने हैं, तो पहले बॉयज फिक्स करें कि गर्ल्स, कोई भी फिक्स कर लो क्योंकि सेम ही है। तो मान लीजिए बॉयज फिक्स करा, बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय फोर बॉय फाइव, तो पांच बॉयज फिक्स करने हैं तो चार का फैक्टोरियल, पांच बॉयज अरेंज करने हैं तो चार का फैक्टोरियल। अब गर्ल्स कितने हैं, पांच प्लेस कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच प्लेस है, पांच पे पांच, फाइव पे फाइव, या हम बोल सकते हैं फोर का फैक्टोरियल देन फाइव का फैक्टोरियल। बस ये याद रख लेना कि फाइव बॉयज फाइव गर्ल्स, तो पांच का फैक्टोरियल, एक कम करके लगाएंगे फोर का फैक्टोरियल, बस ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और हमने अभी एक क्वेश्चन और किया था ना कि कोई भी वो इकट्ठे भी बैठने चाहिए, एक क्वेश्चन सर्कल के अंदर भी कर लेते हैं। तो फाइव बॉयज हैं और थ्री गर्ल्स हैं सिटिंग इन सर्कुलर, बट नॉट टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी टू गर्ल जो है वो इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। तो फाइव बॉयज को अरेंज करेंगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। तो पांच को अरेंज किया तो चार का फैक्टोरियल, पांच को फिक्स किया तो चार का फैक्टोरियल। अब प्लेस कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे पांच प्लेस बनेंगे, और अगर एक रो में होता तो छह प्लेस बनते, तो पांच प्लेस पे कितने अरेंज करने हैं, तीन। तो ध्यान रखना यहाँ पे भी एक कम होगा, इधर भी एक कम होगा, कहाँ से, रो से इसको कंपेयर करोगे। तो एक क्वेश्चन भी अच्छे से नोट कर लो। आइडेंटिकल के अंदर मैंने बताया कि कितने से डिवाइड करेंगे, टू से, टू से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि फ्लावर्स है, फूलों की एक माला बनानी है, एक नेकलेस बनाना है डायमंड का, तो उसके अंदर ये हम एक मतलब कि टू से उसमें डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज वो सेम थिंग नहीं बनती, ठीक है। जो आइडेंटिकल है उसके अंदर सेम थिंग बनती है और नॉन आइडेंटिकल के अंदर सेम थिंग नहीं बनती, ठीक है ना। तो उसमें टू से डिवाइड आपको करना है आइडेंटिकल में, और उसमें एक कम करना, ठीक है ना, उसमें कम करना और उसमें एक से कम करना और टू से डिवाइड करना, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये था आपका सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ जी, एक तरीके का क्वेश्चन और आता है इसके अंदर जो काफ़ी बार पूछा गया है, इसी से मिलता जुलता है, काफ़ी मिस्टेक होती है क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को यहीं पे करवा रहा हूँ। 21 बुक्स है ऑफ इंग्लिश एंड 19 बुक्स है ऑफ हिंदी, आर अरेंज्ड, अरेंज करनी है इन ए रो, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स इफ नोट टू बुक्स ऑफ हिंदी आर टूगेदर। कहते हैं 21 जो बुक्स है, 21 जो बुक है वो तो इंग्लिश की है और 19 जो बुक्स है वो हिंदी की है, इनको एक रो में अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है
कोई भी दो बुक हिंदी की इकट्ठी ना आए। तो हिंदी की इकट्ठी ना आए तो पहले किसको फिक्स करेंगे? इंग्लिश की बुक को फिक्स करेंगे। अब इंग्लिश की बुक फिक्स करेंगे तो कितनी बुक्स फिक्स करनी है? 21। इस तरीके से बन जाएगी 21 बुक फिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर ये बताओ 21 बुक्स को अगर आप फिक्स करोगे तो 21 का फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा? 21 का फैक्टोरियल आएगा कि 21 का फैक्टोरियल नहीं आएगा? आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? तो देखिए, अगर जब हम बॉयज़ को फिक्स करते थे तो बॉयज़ तो सब अलग अलग होते हैं तो उनको तो आगे पीछे बैठा सकते हैं, लेकिन जो बुक्स है वो तो सेम बनेगी ना, जैसे इंग्लिश की बुक है सेम बनेगी। अब उनको आगे पीछे रखेंगे तो कोई फ़र्क पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा, आइडेंटिकल होगी। तो उसको जैसे मर्जी अरेंज करो, दिखने में तो सेम ही रहेगी। तो 21 का फैक्टोरियल नहीं बनेगा, कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ पे। 21 का फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आइडेंटिकल चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आया है, और मोस्टली सभी बच्चे गलत करते हैं। और जो गलत करते हैं वो पहला आंसर ही, पहला ऑप्शन ही वही मिलता है। बच्चे टिक कराते हैं, खुश हो जाते हैं, सर हमारे तो सारे क्वेश्चन ठीक है। जब रिजल्ट आता है फिर बोलते हैं सर पता नहीं करके तो ठीक आए थे। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, तो बस ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो 21 बुक है तो 21 का फैक्टोरियल नहीं आएगा। अब 21 बुक इंग्लिश की फिक्स कर दी तो हिंदी की कहाँ आ सकती है? तो उनके आगे या पीछे आ सकती है। तो 22 प्लेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सर 22 प्लेस कैसे बने? मान लीजिए आप 5 फिक्स करते हो, जैसे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4, इंग्लिश 5, ठीक है। तो कितने प्लेस पे हिंदी की बुक आ सकती है? इधर 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 और इधर, 6 प्लेस बनेंगे ना, यानी कि एक प्लेस हमेशा ज़्यादा रहेगा। 6 बुक लोगे तो 7 प्लेस बनेंगे, 7 लोगे तो 8 बनेंगे, एक ज़्यादा बनेगा। तो 21 बुक जो है इंग्लिश की है तो प्लेस कितने बन गए? 22। 21 का फैक्टोरियल तो नहीं आएगा। अच्छा, 22 प्लेस पे क्या बुक अरेंज करनी है? 22 पे क्या बुक अरेंज करनी है? 19 बुक अरेंज करनी है। 22p19, ठीक है ना। 22 पे कितने अरेंज करने हैं? 19। तो 22p19 आ गया। लेकिन हिंदी की बुकें भी तो सेम हैं, तो 19 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। अगर इसको 19 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो एक चीज़ बताओ, 22c19 बना के नहीं बना? 22c19 बना के नहीं बना, क्योंकि npr और ncr में क्या फ़र्क होता है? अगर इसको r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर है, तो ये r का फैक्टोरियल जो है इसके डिवाइड में चला गया, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों के अंदर हम कम्बिनेशन यूज करेंगे, ना कि परमोटेशन। मैंने डायरेक्ट कम्बिनेशन नहीं बताया, क्यों आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं सर कम्बिनेशन कैसे लगा? कर तो हम अरेंज रहे हैं, लगा आप कम्बिनेशन रहे हो, आपने बोला था अरेंजमेंट होगा तो परमोटेशन लगेगा, सिलेक्शन होगा तो कम्बिनेशन लगेगा, तो अभी ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हुआ, 22p19 तो हो गया, लेकिन हिंदी की बुकें सेम है, तो आपको पता वर्ड अरेंजमेंट के अंदर जब बुकें सेम होती थी तो उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे, तो इसका आंसर जो आएगा 22c19 आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से होंगे, बस आपको ये ध्यान रखना। तो आज मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन करा दिए, जितने केस भी बन सकते हैं टोटल। इसके अलावा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो कंसेप्ट है निखर के आए, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर लो, स्टडी मटेरियल से कर लो। अब इसमें एक्सरसाइज वाइज नहीं करने, भाई पहले फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली, फिर सेकंड कर ली, फिर क्वेश्चन बैंक कर लिया, फिर आपने असाइनमेंट कर लिया, इसमें आपको कंसेप्ट वाइज करना। ये चैप्टर भी, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी हम ऐसे करेंगे, कंसेप्ट वाइज करना है। भाई अभी जो हमारा वर्ड अरेंजमेंट हो चुका है, वर्ड अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन जहाँ से आपको मिले, बुक से कर लो, नेट से कर लो, कहीं से कर लो, जहाँ से आपकी इच्छा हो। तो उसके बाद फिर सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारा हो चुका है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल से ले लो, उसके बाद असाइनमेंट से लो। तो जितने क्वेश्चन भी आपको दिखे सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, कोई डाउट है डाउट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो आपका चैप्टर है, जो भी आपका रिवीजन चल रहा है, इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, असाइनमेंट जो है उसमें दो चैप्टर दे रखे हैं अलग अलग, एक तो इक्वेशन का है
लीनियर इक्वेशन का और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो स्टडी मटेरियल में एक ही चैप्टर है लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक, उसी के अंदर है, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी वहाँ पे कवर अप किए हुए हैं काफ़ी सारे। तो मैंने अभी स्टडी असाइनमेंट देखा, उसके अंदर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे कि जो अलग से आपको करवाने चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पहले मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो अच्छे से देखिए, 2 से 3 वीडियो शायद इक्वेशन वाली है और ऐसे 3 से 4 वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। तो अच्छे से देखिए और आप इनको रिवीजन कर लीजिए। जब आप पूरा रिवाइज कर लोगे, सारे के सारे डाउट्स ले लोगे, उसके बाद ही मैं टेस्ट लूँ, ठीक है। अभी वैसे तो मैंने बोला है कि जो टेस्ट आपका संडे को है, क्योंकि मेरे को यही उम्मीद है कि कल आप मतलब कल डाउट्स टाइम रख लेते हैं, कल इवनिंग 6 PM 6 बजे कल डाउट्स का टाइम है। तो मेरे को यही है कि आप सारे के सारे रिवीजन कर लोगे और डाउट्स ले लोगे। फिर भी कभी बच्चों को डाउट्स रहे, ठीक है, रिवीजन तो आपने कर ही लिया होगा काफ़ी दिनों के लेक्चर दिए हुए, तो उनको रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करके जो है हम फिर है बाद में फिर टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना। मेरे को आपको कोई भी मैसेज देना होता है तो मैं भी वीडियो के अंदर ही मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आप ध्यान से सुन रहे होगे और सभी मैसेज को उचित तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि मैसेज दिया, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने रिप्लाई करा, किसी ने रिप्लाई नहीं करा। और एक मैसेज और है, जो न्यू स्टूडेंट है वो सभी मेरे से बात नहीं कर रहे अभी, तो रिवीजन भी करना है उनको, रिवीजन मतलब उनको तो बैकअप भी करना है और साथ साथ भी करना है। तो जो बच्चे बैकअप क्लास कर रहे हैं साथ साथ, बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं किया बैकअप, करना है भाई, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, आपने पहले लेट ज्वाइन किया है, तो बस बात कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, जो भी क्लास आपकी हो चुकी है उसका रिस्पांस दीजिए, जो आपने नोटबुक बनाई है उसकी पिक सेंड कीजिए, ठीक है ना। बात करने से पता चलेगा, इसको क्या पता चलेगा। तो ठीक है, इस तरीके से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।